फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप क्लिनिक। मैं हूँ लक्ष्मी, आपका कोच और मेंटर। आज आपको सबलिमेशन के बारे में बताएंगे कि हम कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस स्टार्टअप मतलब कर सकते हैं सबलिमेशन को यूज़ करके। तो इसमें अनेक मशीन्स हो जाते हैं हमें यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट एक मशीन में स्पेशलिटी होते हैं, उस मशीन में ही होते हैं, दूसरे मशीन में नहीं होता है। सो मोबाइल का उसके लिए मशीन अलग होते हैं, टी शर्ट्स के लिए अलग होते हैं, कप्स वगैरह करने के लिए अलग होता है। तो कुछ मशीनरी कुछ प्रोडक्ट्स मिक्स में आता है कि इस मशीन में इस प्रोडक्ट्स को कर सकते हो। सो आज हमको ये दिखाएंगे कि एक प्रोडक्ट को प्रिंटिंग करके उस मशीनरी का कंप्लीट डिटेल्स देंगे, उसमें हम किस तरीके का कितना वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं और कितना टेम्परेचर्स यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या मशीनरीज और चाहिए, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग यह है कि आज आपको प्रोडक्ट को प्रिंट करके भी दिखाएंगे। इस प्रोसेस को दिखाने के लिए हमारा जो कंपनी है स्टार्टअप क्लिनिक मैंने सबलिमेशन का जो सीनियर ट्रेनर है प्रशांत, आज हमारे साथ है, आपको बता देगा कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं और कौन से मशीन को यूज़ करके हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, आज हम जो प्रिंटिंग करने वाले हैं एक टी शर्ट को प्रिंटिंग करेंगे। जो देख सकते हो रेड कलर का टी शर्ट है, ये देख सकते हो मैरून कलर का टी शर्ट है जिसको हम लोग प्रिंटिंग करेंगे। जो प्रिंटिंग हम जो करेंगे, ये जो आप मशीन देख रहे हो सामने, आपके जो सामने मशीन जो रखी हुई है, ये हैवी ड्यूटी फ्लैट हीट प्रेस मशीन से हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे, एक डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करेंगे। आप देखोगे कि किस टाइप से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो और किस टाइप से डिज़ाइन बना सकते हो। कोई भी कलर्स या कोई भी फैब्रिक पर आपको प्रिंट करना हो तो आपको इसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और इस मशीन से मैं बता दूँ आपको, डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट आप बना सकते हो, कम से कम 4000 प्रोडक्ट आप इससे बना सकते हो। जैसे आप फैब्रिक की बात करो तो ए टू जेड फैब्रिक आप इस मशीन से प्रिंटिंग कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स फैब्रिक्स आते हैं, कोई भी फैब्रिक इससे प्रिंटिंग कर सकते हो आप। तो दोस्तों, अब लग हम लोग एक टी शर्ट्स पे डिज़ाइनिंग को प्रिंट करेंगे, आप देखेंगे कि इस टाइप से हम लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो आज आपने देखा है ना कि किस टाइप ऑफ टी शर्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। एक तो एक हो गया हमारा मेरून कलर में आ गया, एंड सेकेंड वन क्या है कि वो जो कपड़ा आप देख रहे हैं वो कंप्लीट कॉटन का कपड़ा है, इसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो ये दोनों जनरली सबलिमेशन में पॉसिबिलिटी नहीं है करके बोलते हैं, तो हम उसको प्रिंटिंग कैसे करेंगे वो भी मल्टी कलर्स में, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि विनाइल्स यूज़ करके प्लॉटर यूज़ करके कर सकते हैं, बट मल्टी कलर में नहीं कर सकते हो, बट हम सबलिमेशन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपको कुछ अदर वीडियोस में मैं दिखा देती हूँ कि वो भी कैसे करते हैं। सो इस वीडियो में आपको इस टी शर्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो मैंने आपको जो प्रशांत ने बताया था, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो है हेवी ड्यूटी यूरोपियन स्टैंडर्ड का हेवी ड्यूटी फ्लैट प्रेस मशीन है, क्योंकि इस मशीन को यूज़ करेंगे तो इसका जो कैपेबिलिटी होता है ना वो हमारा ज़्यादा ताकत होता है, जो प्रिंट को ज़्यादा दिन तक अच्छे से रखेगा। सो इस वजह से इस मशीन को हम यूज़ करेंगे। ये साइज ऑफ द मशीन जो है 16x24 से A3 साइज का होता है ये वाला मशीन। सो इस मशीन को यूज़ करके हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो इसमें जो टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए जो अदर चीज़ें हमें चाहिए होते हैं वो है नेक्स्ट वन प्लॉटर, जो आपका पीछे लगा हुआ है जो स्काई ब्लू कलर में है। इस प्लॉटर को यूज़ करके हम विनाइल्स को काट के डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है आप विनाइल्स को काट के कर सकते हो। सो डार्क कलर में प्रॉब्लम हो, कॉटन में प्रॉब्लम हो, तो ये सोल्यूशन है। आप ये भी सोच सकते हो कि प्लॉटर से ओनली डार्क कलर के ऊपर करना है क्या या कॉटन के ऊपर, ये नहीं है। हर एक फैब्रिक के ऊपर आपको प्रिंट करना है तो आप ये प्लॉटर यूज़ कर सकते हो। बस इतना मान लीजिए कि रेजिन एंड जो कौन सा दूसरा लेदर, ये दोनों चीज़ों को हमें प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हमें जो टेम्परेचर देते हैं उस टेम्परेचर में वो कपड़ा नहीं रह पाता है। तो इसकी वजह से ये दोनों मटेरियल को छोड़ के हर एक पॉलिस्टर, ड्राई फिट, पॉलीकॉटन, जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, हर एक फैब्रिक के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो। तो अपने पता चल गया ना कि हाँ, हम प्लॉटर विनाइल्स मशीन यूज़ करके क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं। सो इफ इट इज़ इन्हीं तीन चीज़ों के हम प्रोडक्ट लेकर मान के आपको आगे करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको लगेगा 70,000 से 1,00,000 के लगभग आपको जो अमाउंट लगेगा बजट। उसके बाद बजट के बारे में हो गया, नेक्स्ट हमारा जो स्पेस जगह, जितना जगह हमें चाहिए होता है, तो ये क्योंकि ये पर्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कितना जगह चाहिए होता है, हम घर से स्टार्टअप कर सकते हैं क्या। सो ये ऐसा है कि मार्केट में बैठ के ही काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो घर में बैठ के भी। सो ये काम करके आप फिनिशिंग करके दे सकते हो। सो इसके लिए हम अच्छा खासा सेंटर में ही बैठना है, शॉप कंपलसरी लेना है, ये कंपलसरी नहीं है, तो आपका है ले सकते हो तो ले लीजिए, बेटर होगा है कि मार्केट का प्लेस है। नहीं है, आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्टअप कर लीजिए वहाँ से पहले, उसके बाद आपको चेंज जो करना है वो चेंज कर सकते हो। और स्पेस के बारे में जो बात हो गया था, जो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, एक मशीन, एक प्रिंट ब्लॉटर एंड विनाइल से रखना है, बाकी आपके रॉ मटेरियल जिसके ऊपर, जिस कपड़े के ऊपर आपको काम करना चाहते हो। उसके बाद हमें आएगा
आपके प्लेस से डिपेंड होते कि हम कहाँ पे हैं. ओके, जस्ट नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग हमारे जहाँ पे भी ऑफिसेस है हर एक जगह पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है. तो हर एक जगह पे आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया. 1 से 7 दिन के ट्रेनिंग्स होते हैं. इनके बारे में डिटेल्स चाहिए होता है तो नीचे दिए हुए फोन नंबर पे बात करने से आपको वो लोग भी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि हमारा ट्रेनिंग 1 to 7 days में क्या सिखाते हैं. वन फर्स्ट डे में क्या होता है, सेकेंड डे में क्या होता है, 3rd day में क्या होता है, कि आपको कितना ट्रेनिंग चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ों में आपको ट्रेनिंग चाहिए, ये सब कुछ आप नीचे दिए हुए फोन नंबर पर बात करने से वो हो जाएगा. जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, रायपुर है, कोलकाता है, बैंगलोर है, दिल्ली है, विजयवाड़ा है, तो इन 5 जगहों में आप खुल के बात कर सकते हो. कोई नियरेस्ट लोकेशन है, कोई जान पहचान है, आप उनसे जो भी लेना है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो. सो ट्रेनिंग भी हो गया, उसके बाद हम बिजनेस में आएंगे. सो सब लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो बिजनेस हमें करना नहीं आता है. तो कैसे करें, करूं या ना करूं, इतना सोचने से ना अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है. तो आप इफ़ इट इज़ उसके डिटेल्स आपको चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में हमें कैसे उतरना है, तो इनका भी डिटेल्स हमको मिल जाएगा कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप मोहन चंद्रा जी का वीडियोज़ है 1/2 घंटे का, वो वीडियोज़ आप ईयरफोन्स लगा कर सुनने से आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि बिजनेस क्यों करना चाहते हैं. और सेकंड थिंग क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, हमें कैसे सीखना है और कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करने है, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस को हमें स्टार्ट करने से प्रॉफिटेबल होता है, तो ये ऐसा कुछ चीज़ें हैं आपको इस वीडियोस के लिंक के थ्रू मिल जाएगा. एंड ये सब कुछ चीज़ें जनरली आपको और भी वीडियोज़ होंगे हमारा तभी मिल जाएगा जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकॉन को प्रेस करने से न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड जब वीडियोस जो पहले का भी बना हुआ है वो भी आपको पता चल जाएंगे कि किस कौन से मशीन्स पे हमने ऑलरेडी काम कर चुके हैं और एक एक का कितना प्रॉफिटेबल होता है. क्योंकि ये बिजनेस जो है कई सालों से चल रहे हैं लेकिन अभी तक सब लोगों को पता नहीं कि इस टाइप ऑफ बिजनेसेस होता है. सो आजकल ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है. तो आपको बिजनेस में जाना है तो क्यों ना, ये इतना इम्पोर्टेंट बिजनेस है जो रेगुलरली गिफ्ट आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, कपड़े के ऊपर काम तो होना ही है क्योंकि हर एक को कपड़ा चाहिए होता है. तो हर एक को कपड़ा चाहिए तो हर एक के कपड़े के ऊपर हम प्रिंटिंग करेंगे, इजी है ना. वो भी आपको डिज़ाइंड अलग अलग चीज़ें, मतलब यूनिक जो डिफरेंट होते हैं, ऐसे डिज़ाइन बनाओ तो कौन मानेगा. क्योंकि बाहर जो जाते हो फैब्रिक में आप शॉप्स में जो डिज़ाइन आपको पसंद आते हैं वो डिज़ाइन का मतलब क्लॉथ नहीं मिलेगा, क्लॉथ में हम जाएंगे डिज़ाइन नहीं मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है. जहाँ यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए वो कपड़े के ऊपर आपको जो अच्छा लगा डिज़ाइन उसको छाप सकते हो, है ना. तो इसके लिए वाला बिजनेस बहुत अच्छा होता है. तो चैनल सब्सक्राइब करके और शेयर कर लीजिए. इससे क्या होता है कि बहुत लोगों को आपके अलावा जो भी देख रहे हैं ना, शेयर करने से उन लोगों तक पहुंच जाएगा कि इस टाइप ऑफ बिजनेसेस होता है जो आज का नीड है. एंड लाइक कर लीजिए. ओके, सो आज के वीडियो के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं वो है कॉटन टी शर्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं. उसके लिए जो मशीन यूज़ किया था, मुझे 16x24 का मशीन यूज़ किया था A3 साइज़ का. एंड सेकेंड थिंग क्या है कि इसको टेम्परेचर जब प्रिंटिंग करने के लिए जो यूज़ करना है 150 डिग्री का टेम्परेचर एंड 40 सेकेंड्स का टाइमिंग, ये दोनों यूज़ करके हम विनाइल्स को यूज़ करके प्लॉटर से कटिंग करके डिज़ाइन को हम टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं. सो अदर डिज़ाइन है जो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. ओके, हमारा टी शर्ट रेडी हो चुका है. आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा डिज़ाइन को प्रिंट हुआ. लेट योर सोल बी योर. ओके, सो आप देख सकते हो इस टाइप ऑफ डिज़ाइन को. सो इस टाइप ऑफ डिज़ाइन आपको यूनिक ऐसा डिज़ाइंस. एंड ये फैब्रिक आप देख सकते हो कितना अच्छे से फैब्रिक है जो कॉटन है. सो कॉटन में भी फैब्रिक्स आपको अलग अलग आएगा. सो ये कंप्लीट प्योर कॉटन का मटेरियल है. तो आप ऐसा चमकने का, मतलब बताया था ना कि ग्लिटर का भी जो यूज़ कर सकते हो, ये गोल्डन कलर, ये कलर नॉर्मल कलर्स, तो इस टाइप ऑफ कलर्स को यूज़ करके आप प्रिंट कर सकते हो. आप देखिए ठीक से. ओके, एंड नेक्स्ट जो अदर डिज़ाइंस भी है मैं एक बार जस्ट दिखा देती हूँ. आप देख सकते हो पे टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट हो चुका है. ब्लैक टी शर्ट्स के ऊपर सब्लिमेशन हो चुका है मल्टी कलर में. आपको ये भी मुमकिन है, आपको जो ट्रेनिंग के टाइम में आपको बता देगा. और टी शर्ट्स है आपको जो ऊपर भी है आप देख सकते हो, नीचे भी है और टी शर्ट्स, और आपको जीन्स का क्लॉथिंग भी दिख रहा है ना. तो ऐसे जीन्स के ऊपर भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो. देखिए जीन्स के ऊपर है ना, तो ये कपड़ा भी उसके ऊपर स्टिकरिंग कर सकते हो. इफ इट इज सब्लिमेशन में जाना है तो ये सब कुछ रॉ मटेरियल्स आपका जो मशीन आपके पास है उस मशीन के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो. सो देखा है ना,
कुशंस हो गया, फ्रेम्स हो गया, ये सब कुछ सबलिमेशन में आएगा। सो आज के वीडियो में आपने देख लिया है ना कॉटन टी शर्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कैसे कर रहे हैं और क्या क्या चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ दूसरा मशीन को लेकर। अंटिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।